नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक बड़ी अच्छी आपको ब्रीड दिखाने जा रहा हूँ। पहले तो स्कूबर्स में आपका स्वागत है। मुझे ना सारे कहते थे इंग्लिश मैस्टिफ दिखाओ भैया, इंग्लिश मैस्टिफ दिखाओ, इसीलिए हम आ पहुँचे हैं हरियाणा के सोनीपत में। सोनीपत में मेरे भाई बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, महेश जी, इनके पास इंग्लिश मैस्टिफ हैं। आइए थोड़ी हम बातें करते हैं इंग्लिश मैस्टिफ के बारे में। इसका वैसे आइडियल वेट ये 80 से 85 कह रहे हैं, आईटीज की 31 इंच से ऊपर कह रहे हैं। ये देख सकते हो आप कितनी अच्छी क्वालिटी है। आप इसका भी देख सकते हो हेड साइज क्या है, हैवी बोन। और ये कह रहे हैं ये फैमिली डॉग है। अब मुझे पता नहीं है कि ये सच में फैमिली डॉग है, वैसे मैं यहाँ पर मिला, इन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। ये देख सकते हो, अगर आपको सैंड बर्नार्ड के अलावा, वैसे भैया सैंड बर्नार्ड ही हम कह सकते हैं बिना बालों वाला, इतना हाइट वेट तो वैसे ही है सेम इसका। बाकी ये भैया कहाँ से शुरू हुआ था ये ब्रीड? बाहर से ही इम्पोर्ट होता है, इंडिया की तो ब्रीड है नहीं, बाहर से ही करवाया। मेरे को तो वैसे ही शौक लग गया, तो जब मैंने इसका साइज देखा तो मैं घर ले गया। मैंने अपनी ब्रीडिंग के कुछ फीमेल तैयार की और उसके बाद बस रेगुलर ब्रीडिंग कर रहे हैं। भैया का ये देखो, ये सेटअप है इनका, जहाँ पर ये डेली घुमाते फिराते हैं। ये कैनल है इनका यहाँ पर बना हुआ, और ये तीन डॉग। वैसे इनको घूमने के लिए आप पूरी जगह देते हो, कच्ची जगह देते हो? नहीं तो इनकी टांगों में प्रॉब्लम नेचुरली आ सकती है, वेट ज्यादा होता है इनका, ठीक है? होने के कारण ठीक है, इनको कुछ स्पेशल सप्लीमेंट भी चलते हैं बचपन में। अच्छा, लेग्स पे जो वेट पड़ता है उसको कंट्रोल कर सके। यार बड़ी ह्यूज ब्रीड है ये, वैसे तो कहती कुछ नहीं है। मैं हाथ लगा के देखूं इसको, काटेगा तो नहीं? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल मस्ती है, मस्ती। इसका नाम क्या भैया? इसका नाम कैंडी है। कैंडी, और ये क्या है? ये मेक्स है। अच्छा, ये मेल है, ठीक है भाई। ज्वाइंट ही देखो कर ली है, पूरे रिंकल है इनके माथे पर। क्वालिटी आप देख सकते हो, आप महेश भैया को कॉल करके पूछ भी सकते हो क्वालिटी क्या है। 80,000 से प्लस ये बच्चा बता रहे हैं, इंपोर्ट का। ये इंपोर्ट ही है इसमें, यहाँ ये आपका इंडियन ब्रीड है? ये इंपोर्ट लाइन है, मतलब ये बी आई है ये। ये आपने किस ब्रीडिंग से लिया था, कहाँ की ब्रीडिंग है ये? भैया ये इंपोर्ट है, अपना एक कैस्पर डॉग आया था। कहाँ, किसके पास? ये मिलन भैया के पास। मिलन भैया कहाँ से है? ये दिल्ली दाबड़ी से। अच्छा, दिल्ली दाबड़ी से। अच्छा। उनकी ब्रीडिंग के डॉग हैं ये तीनों? नहीं, ब्रीडिंग मैंने करवाई है उनसे, फीमेल ली थी, फीमेल मेरे पास आई थी। ठीक है, उनसे मेटिंग करवाई थी? हाँ, उनके डॉग से मेटिंग करवाई। ठीक है, ये देख सकते हो आप क्वालिटी। ये फीमेल है भैया के पास दो, और एक मेल है, वो मेल इनके कैनल में यूज हो रहा है। आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में है। बंदे को पता नहीं है कि कैसे इनका ध्यान रखना है, कैसे क्या करना है, तो ब्रीडिंग कम हो रही है बंदों के पास, तो छोड़ रहे हैं ब्रीड को, छोड़ के लैब और जर्मन में जा रहे हैं और ब्रीड्स में जा रहे हैं जिनकी वो कंटिन्यू ब्रीडिंग करा सकते हैं। नहीं, इसकी ब्रीडिंग में क्या मतलब प्रॉब्लम क्या आती है? या कंसीव होने में प्रॉब्लम आती है। अच्छा, लेट कंसीव होती है? जी, लेट कंसीव होती है, और अपना ये डिलीवरी के टाइम पे भी प्रॉब्लम आती है। क्या, कैसी प्रॉब्लम आती है? या डिलीवरी के टाइम पे जोर लगाना बंद कर देती है, लीटर बहुत ज़्यादा हैवी होने के कारण कई बार 8-10 बच्चे देने के बाद जोर लगाना बंद कर देती है। उसके बाद इसको प्रॉपर ड्रिप चलती है, कई बार डॉक्टर को भी बुलाना पड़ता है। मतलब मुश्किल है इसकी ब्रीडिंग? हाँ जी, इसकी ब्रीडिंग काफ़ी मुश्किल है, इसको बंदे छोड़ के दूसरी ब्रीड पे शिफ्ट हो रहे हैं। भैया के पास इसके बच्चे भी है ना? अभी बच्चे भी आपको दिखाते हैं, बड़े क्यूट बच्चे हैं। ये कितने दिन के बच्चे भैया? आप जो दिखा, 41 दिन के बच्चे हैं। ठीक है, आपके पास टोटल कितने डॉग हैं? मेरे पास 8 मैस्टिफ हैं भैया। 8 मैस्टिफ हैं, इंग्लिश मैस्टिफ जी। ठीक है, उसमें से 7 फीमेल हैं और एक अपना मेल। ये भैया के बच्चे, हम घास में नहीं रखेंगे इनको, ठीक है ना? घास में रखने से प्रॉब्लम ही हो सकती है। भैया कितने दिन के हैं ये बच्चे? ये 41 डेज के हो गए हैं। ठीक है, ये आप क्वालिटी दे सकते हो, भैया को कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ऐसा नहीं है, भैया के पास आइए, यहाँ पर डॉग क्वालिटी देखिए, मदर फादर देखिए, फिर बच्चा लीजिए। मैं ये कहता हूँ, केसीए पेपर्स होते हैं इसके? जी, इनके केसीए पेपर अप्लाई कर चुके हैं। कितने दिन में केसीए पेपर अप्लाई करते हो आप? हम 30 डेज पे कर देते हैं। ठीक है, उससे पहले क्यों नहीं करते, कोई रीजन होता है वैसे? सर, उससे पहले तो इनकी केयर पे ही इतना ज्यादा ध्यान रहता है कि नहीं करने, नहीं किया जाता। अभी बैक डेट में आप कर देते हो 30 डेज में? जी, मैं 30 डेज में कर देते हैं, या उससे पहले भी कर देते हैं कई बार। इस सेमेस्टर पे एक तो उनका साइज ही है, इनका हेड फेस साइज, रिंकल्स, नेचर बहुत कूल है घर के लिए, और अपना इनका एक तो वेट भी है, हमारे हरियाणा में इनको काफ़ी पसंद करते हैं वेट के कारण, क्योंकि यहाँ पे जमीन काफ़ी है तो इसलिए खुले रहते हैं। अपना ये खाने पीने में इनको चलता है, पेडिग्री चलती है, मदर स्टार्टर और अपना
न्यूट्रिशन चलता है, राइस चलते हैं, मल्टीविटामिन, कैल्शियम, बस ये सब चलता है भैया। एक तो बड़े प्यारी ब्रीड है अपनी और बिल्कुल फैमिली में फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं ये, ना किसी को और ज़्यादा अटैक करते हैं ना कुछ और, एक शांत डॉग है। और साइज ऐसा है आप देख ही रहे हो, या इनका एक तो अपना इनके घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है डाइट का, तो अगर इनका वेट कम होगा तो इंग्लिश मैस्टिफ आपको दिखेगा ही नहीं। और अपना इनको प्रॉपर घुमाना फिराना पड़ता है वरना इनका वेट हद से भी ज़्यादा आगे जा सकता है। और करीबन ये हमारा डॉग है 85 kg का, तो इंग्लिश मैस्टिफ ब्रीड करते हुए 3 साल हुए, पहले मैं फ्रेंच मैस्टिफ ब्रीड करता था लेकिन साइज़ के कारण ही उनसे ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा है ये, इसीलिए मैंने इंग्लिश मैस्टिफ चुना। पप्पी तो देखो क्वालिटी के ऊपर होता है, वो तो जब कस्टमर आता है तभी बात करते हैं। पप्पी आइडिया भैया, आइडिया अपना 80 से ऊपर ही रहता है। विद पेपर है जी, हमारे बच्चे सारे विद पेपर होते हैं, विदाउट पेपर हम देते ही नहीं। खासियत यही है, नेचर इसका काफ़ी कूल है, फैमिली में घुल मिल के रहता है, बाहर के बंदों को पसंद करता है, खेलने के लिए रेडी ही रहता है ये हमेशा। खाने पीने में आप वेज में भी रख सकते हैं इसको? भैया वेज में रख सकते हैं लेकिन थोड़ा नॉन वेज में इनको एक्स्ट्रा रहता है, थोड़ा इनको डाइट बैलेंस रहती है। इसकी हाइट भैया 31 है मेल की, और फीमेल की अपना रहती है 28 से 30। वेट 80 से ऊपर? हाँ वेट 80 से ऊपर, 100 kg भी हो सकता है लेकिन फिर ये अपना थोड़ा चलने फिरने में थोड़ा ज़्यादा जल्दी हाफ जाता है, इसलिए वेट हम इसका बैलेंस ही रखते हैं। इसको हम स्टड के उसमें यूज़ करते हैं तो थोड़ा वेट कम करते हैं। ये मेरी फीमेल है, इसका नाम कैंडी है और अभी इसने 2.5 महीने पहले लीटर दिया है। इसके 13 पपीज़ हुए थे जो कि हम सेल कर चुके हैं, और 2 फीमेल मैंने अपने लिए घर के लिए रोकी है। और इसका कलर है सिल्वर कलर है इसका, और इसमें 2 कलर और आते हैं, एक एप्रिकोट जो हमारा मेल है और एक अपना ब्रेंडल कलर जी। फीमेल का कुछ ज़्यादा ही ख्याल रखना पड़ता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, डिलीवरी के टाइम पे बहुत इनका ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, इनको बैलेंस डाइट देनी पड़ती है, ज़्यादा हैवी नहीं कर सकते इनको, और इनको अपना वॉक भी अच्छी देनी पड़ती है हमको। फीमेल की हाइट कितनी रहती है? फीमेल की हाइट 28 से 30 रहती है। वेट इसका 75 है। 5 किलो का ही फर्क होता है दोनों में? नहीं नहीं, वो मैं उनका और इनका बता रहा हूँ। ठीक है, वेट तो हम कितना भी बढ़ा घटा सकते हैं लेकिन ओवर फैट हम करना नहीं चाहते, भागने में बड़ी अच्छी है। नहीं आप कह रहे हो कि ये फीड खिलाते हैं, आप एक बोरी तो खा जाते होंगे ये रोज ही 8 बजे? एक दिन में तो नहीं खाते हैं लेकिन 4 डॉग्स 3 दिन में अपना निपटा देते हैं। मतलब 10 किलो की बोरी 3 दिन में खत्म? नहीं 20 किलो की। 20 किलो की 3 दिन में खत्म? जी जी। मतलब खली की जैसी डाइट है इनकी पूरी? जी जी खली जैसी है। ये आपकी फीमेल है? ये भैया कितने साल की है? ये 4 साल की हो रही है। ये 4 साल की एज है? अच्छा, जो आप मेल दिखा रहे हो वो इसी का बच्चा है? मतलब आपके पास भी 1-2 जनरेशन हो चुकी है इनकी। ये देखिए दोस्तों, अगर आपके पास फीड की बोरी है खिलाने के लिए पैसा है, या आप शौक रखते हो इंग्लिश मैस्टिफ का, तो प्लीज़ भैया को कॉन्टैक्ट कर लेना। ये आपको 4 डॉग मैं दिखा रहा हूँ, 4 इनके नहीं दिखा सकता क्योंकि वो इनके दूर है कहीं पर झज्जर में। ये भी मैंने बड़ी मुश्किल से इनके इकट्ठे करवाए हैं, ये देख सकते हो आप क्या क्वालिटी है। चलिए भैया, आपका नंबर क्या रहेगा? भैया डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा आपका नंबर। मेरा 90-50-56-44-77 महेश भैया सोनीपत से। चलो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो शेयर कर देना, महेश भाई का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी देख लो एंजॉय कर लो इस वीडियो को। इंग्लिश मैस्टिफ अगर किसी के पास पालने के लिए पैसा है, पहली बात जगह है आपके घर में, तो आप ये ब्रीड को चूज़ कर सकते हो। ब्रीड को आपने चूज़ करना है, ना कि ब्रीड आपको चूज़ करेगी, ये बातें आप ध्यान रखिए। थैंक यू, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।